वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि कल आप लोगों से बात नहीं कर पाया। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो ये अभी वीक चल रहा है, वो सप्ताह चल रहा है, तो कल का दिन था जो वो था परिवार बिछोड़े का। और जो सरसा नदी पे जब मुग़लों ने और हिंदू पहाड़ी राजाओं ने कस्में तोड़ के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की पीठ पे वार किया, तब परिवार बिछड़ गया वहाँ से सरसा नदी के ऊपर। और माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादे अलग हो गए, और गुरु गोविंद सिंह महाराज, बड़े साहबजादे और कुछ सिंह अलग हो गए वहाँ से। और आज का जो दिन है, जो थर्ड डे है, आज चमकौर का युद्ध है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, चाहे वो हिंदू जानता हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि आज के दिन क्या हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लखते जिगर, बड़े साहबजादों की शहीदी हुई थी चमकौर के युद्ध के अंदर। पर उस युद्ध को बेशक साहबजादों की वहाँ पे शारीरिक तौर से शहीदी हुई, लेकिन जो उनके साहस था, जो उनकी हिम्मत थी, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की बख्शीश थी, जो दशमेश पातशाह जी का उनको प्यार था, जो उनको दी हुई ताकत थी, वो आज तक जिंदा है। और वो जो 10,42,000 सिंहों के सामने चमकौर की गड़ी में 42 सिखों के सामने 10,00,000 की मुगल फौज थी, कितना डर था उन लोगों के अंदर 42 सिखों के अगेंस्ट, कि 10,00,000 मुगल फौज थी जो चमकौर की गड़ी में गुरु गोविंद सिंह महाराज को और बाकी सिंहों को और साहबजादों को घेर के खड़ी थी। तो आप देखिए कितना डर, कितना खौफ होगा उनके दिल में गुरु गोविंद सिंह महाराज के लिए कि 42 के सामने 10,00,000 की फौज खड़ी हुई है। फिर भी वो गुरु गोविंद सिंह महाराज को वहाँ से पकड़ नहीं पाए, उनकी छाया को भी छू नहीं पाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसका सानी ना कोई था, ना है और ना होगा। अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने खुद तैयार करके जंग के मैदान में भेजा, देश और धर्म की रक्षा के लिए, शहीद होने के लिए। और वो बड़े साहबजादे खुशी खुशी अपने गुरु पिता के हुक्म पे शहीद होने निकल गए जंग के मैदान में। दोस्तों, ये एक ऐसा इतिहास है कि मैं एज ए सिख बात नहीं करूँगा आपसे, एक मैं एज एक मैं ह्यूमन बीइंग बात करूँगा। ये एक ऐसा इतिहास है कि जिसको पढ़ने वाला और या जिसने इसके बारे में चर्चा की है या कभी इसके बारे में बात की है, तो उसके बोलते हुए सुनते हुए हमेशा रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है कि 42 सिखों के अगेंस्ट 10,00,000 की मुगल फौज, और फिर भी वो गुरु गोविंद सिंह महाराज को, दशमेश पातशाह जी की छाया को छू भी नहीं सके, उनकी परछाई को भी टच नहीं कर सके, और महाराज अपने सिंहों के साथ में मासिन छाती ठोक के निकल गए। भाइयों, अच्छा, एक है ना, बहुत मेरे पास मैसेजेस भी काफ़ी आते हैं और कई बार बात चलती है कि मुग़लों ने तुम्हारे साथ ये किया, मुग़लों ने तुम्हारे साथ ये किया, और कई बार ऐसे दिखाया जाता है कि जो सिख हैं और वो मुसलमानों के विरोधी हैं, या मुसलमान हैं वो सिखों के विरोधी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। गनी खान, नबी खान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज की हेल्प करी थी, मदद करी थी, और उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पर ये अभी एक सिलसिला चल रहा है जो अभी वीक चल रहा है, सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। और तो वो आज का दिन है चमकौर के युद्ध का, जो सोने के अक्षरों से इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, जब एक पिता ने अपने हाथों से अपने बच्चों को शहीद होने के लिए जंग के मैदान में भेजा, और 42 सिखों के सामने 10,00,000 की मुगल फौज थी। ये एक सोचने वाली बात है कि इतना कितना डर था उन लोगों के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज का कि 42 के सामने 10,00,000 मुगल फौज। आज जो सिख कौम फल फूल रही है, देशों विदेशों में अपने झंडे गाड़ रही है, ये उन्हीं शहीदियों की बरकत है, ये उन्हीं शहीदियों की देन है कि आज सिख कौम
जो एक सेल्फ डिपेंडेंट कौम मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर, वो आज जो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, जो हमारे अंदर सेवा करने का भाव है, वो इन शहीदियों की देन है, इन शहीदियों की बख्शीश है, इन शहीदियों की बरकत है कि आज सिख कौम फल फूल रही है पूरी दुनिया में। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ पर सिख कौम के झंडे, जो जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का निशान साहब है ना, जैसे इंडिया का जो झंडा है वो सिर्फ इंडिया में लहराता है, पाकिस्तान का पाकिस्तान में लहराता है, कनाडा का कनाडा में लहराता है, और अमेरिका का अमेरिका में लहराता है, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जो निशान साहब है वो पूरी दुनिया में लहरा रहा है आज। तो ये उस उन शहीदियों का, उन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई जो जो उनकी सिख कौम को दी हुई जो एक खजाना है, उसका हम लोग आज फ़ायदा कह सकते हैं, हम फ़ायदा ले रहे हैं उस चीज़ का, या हम आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जो बख्शीशे हैं, जो उनकी बरकत है, उसका बैठ के खा रहे हैं। तो भाइयों, आज वो तीसरा दिन है जब देश और धर्म के नाम पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहले अपने पिताजी को वारा, फिर अपने बड़े साहबजादों को जंग के मैदान में अपने हाथ से तैयार करके शहीद होने के लिए भेजा, जो उनकी जो लासानी शहीदी है जिसको आप चाकर भी भुला नहीं सकते, चाकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, आज वो तीसरा दिन है। और मैं, मेरा एज ए सिख ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस लिगेसी को जो जो महाराज की जो बख्शीश है, जो उनके बनाए हुए कायदे कानून है, उसको आगे लेके जाऊं, तभी मैं सिख कहलाने का हकदार अपने आप को समझूंगा। तो भाइयों, आपने बताना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।